हम लोग निश्चिंत करने दीजिए ना भाई, सीबीआई इनकम टैक्स। हाँ भैया मोस्ट वेलकम, हम तो न्योता देते हैं सीबीआई इनकम टैक्स के लोगों को, ईडी के लोगों को, कि आओ मेरे घर में दफ्तर खोल लो, तब जा कर के शांति होगी। और तब भी ना शांति हुई हो तो हम उससे ज्यादा नहीं लगता है। आप जो कह रहे हैं क्या तेजस्वी यादव को सीबीआई से डर नहीं लगता है? पड़ेगी भाई, आप तैयार हैं? हम पहली बार विधायक बने, डिप्टी सीएम बने, जब हम काम कर रहे थे बिहार के लिए, नितिन गडकरी केंद्र से सहयोग भी हम जा करके झगड़ करके ले आते थे, एक फायदा पहुंचाते थे, जब नए नए थे तब सीबीआई के लोगों ने मुकदमा किया। कितने साल हो गए, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ गलती की होती तो न्यायालय दे ही ना देती। तो खैर इस चीज पे हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। अभी ये सब मुकदमा लाता है, जब मेरा मूंछ नहीं था, जब हम क्रिकेट खेलते थे तब। अरे भाई हमने क्या गलत काम किया? हम जो 18 महीने अगर डिप्टी सीएम रहे हैं उसमें अगर हमने कोई गलत काम किया तो आपको इसमें कमी कोई मिली नहीं, बीजेपी बना नहीं तो भाई कैसे बना? ये तो देखिए हम लोग निश्चिंत हैं। कल ललन जी ने भी तो एक बात कही, करने दीजिए ना भाई सीबीआई ईडी इनकम टैक्स। हाँ भैया मोस्ट वेलकम, हम तो न्योता देते हैं सीबीआई इनकम टैक्स के लोगों को, ईडी के लोगों को, कि आओ मेरे घर में दफ्तर खोल लो, तब जा कर के शांति होगी। और तब भी ना शांति हुई हो जैसा कहेंगे वैसा होगा, जब कहेंगे तब होगा। हम आप लोगों का प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी के पास रख सकते हैं, कि पत्रकार भाई लोग ही चाहते हैं कि कब, वही तारीख बताना चाहते हैं।